सिगाव के समीप दसंगा में भूषण पुलिस हादसे के बाद पुलिस ने चालानी कार्यवाही और चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस के इस अभियान से बस मालिकों में हड़कंप मच गया है। बुधवार को सेगांव पुलिस द्वारा भी खंडवा बड़ौदा मार्ग पर चौकी प्रभारी अनिल जाधव द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 12 से अधिक बसों को रोका और चेक किया और करीब 4 बसों की चालानी कार्यवाही की गई। इस मौके पर ASI लक्ष्मण सिंह राठौर सहित पुलिस स्टाफ भी मौजूद था। वहीं बस हादसे के बाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के कारण बस स्टैंड पर सवारियां भी समय पर बस नहीं मिलने के कारण भीषण गर्मी में परेशान नजर आ रही है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कार्रवाई करी, कितनी बसों पर कार्रवाई की सर? अभी कल की घटना को देखते हुए सभी बसों को चेक किया जा रहा है। जो भी ओवर लोड बसें जा रही है और अन्य जो कागज कमी पाई जा रही है उन पर कार्रवाई की जा रही है। करीबन अभी 10-11 बसें चेक की गई, जिसमें एक बस में ओवरलोड सवारी पाई गई, जिस पे जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है, पंचनामा तैयार करके कार्रवाई की जा रही है। और अन्य जो जिन बसों में कमी पाई गई उनकी 4 बसों की चालानी कार्रवाई की गई। क्या नाम लिखते हैं? अनिल जाधव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।